जिंदगी में कोशिश ही आपको कामयाब बनाती है। हर स्टार्टअप ले लो, हर एक बिजनेस की शुरुआत ले लो, सिर्फ एक कोशिश होती है। एक छोटी सी कोशिश ही आपको कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाते हुए आपको एक दिन मशहूर कर देती है। लेकिन छोटी शुरुआत होती है और उसकी एक कहानी होती है, और ऐसे ही कोशिशों को हम लाने का कोशिश करते हैं हमेशा बिहार स्टोरी मीडिया पर। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह, और एक कोशिश आज गोरखपुर जनपद में हो रही है, जो उत्तर प्रदेश में। और आज मैं भी आया हूं उत्तर प्रदेश, और हमारे पास हैं यहां पे एक युवा, और जिनकी कोशिश की कहानी आप तक आज पहुंचानी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं कुछ चल प्रॉब्लम हो गया है क्या? हाँ सर, चालू करना है। चालू करना है तो आप 15 मिनट का ब्रेक ले लें, और आप बिहार स्टोरी मीडिया के स्क्रीन पर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है सर चलिए, हमारे यहाँ गोरखपुर में। तो थोड़ा देर समय दे सकते हैं? बिल्कुल चलिए, तो आइए हम लोग बातें करते हैं। सर चलिए उधर थोड़ा सा हम लोग बात करें। आपका पूरा नाम क्या हुआ सर? मेरा पूरा नाम चंद्रेश मौर्या। चंद्रेश मौर्या जी अच्छा, तो चंद्रेश जी जो है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे चारों बगल खेत है, जी और चंद्रेश जी का जो यहाँ पर बीच खेत में एक IFS मॉडल दिख रहा होगा, यानी कि खेती तो शायद आपके परिवार में पारंपरिक रही होगी, बहुत पहले से। लेकिन खेती का शक्ल जो चेंज करके इन्होंने बीच खेत में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बीज डाल दिया, यानी कि यहाँ पर देख रहा हूँ मैं एक छोटा सा तालाब, एक बड़ा सा शेड जिसमें मुर्गियां हैं तरह तरह की, और शायद बत्तख पालन भी यहाँ पे होता हाँ था। करेंगे, करा अभी किया नहीं है, नहीं सोच रहे हैं उसका भी, सोच बत्तख रहे हैं पालन उसका भी। का। तो देख लीजिए कि ये एक बदलाव है, और ऐसे ही बदलाव की जो स्टोरी है हम लोग कोशिश करते हैं कि किसानों तक पहुंचाएं, ताकि आप भी ये बदलाव करेंगे तो आपको लाभ होगा। क्या इस बदलाव की जरूरत थी? जी सर बहुत ज़रूरत थी। जी, आपके परिवार के पास कितना खेत है? हमारे परिवार के पास सर करीबन 2 एकड़ खेत है, पूरा 2 एकड़ खेत है। टोटल। तो ये आइडिया केवल खेती से जो ये आप लोगों ने चेंज किया, ये जो समेकित फार्मिंग में उतर गए, ये आइडिया किसका था? ये हमारे बड़े भैया एक हैं अच्छा बाहर में, राम सकल मौर्य, उनका था। अच्छा वो क्या करते हैं? इस समय वो पालिश का काम करते हैं लेकिन विदेश में हैं। विदेश में है। जी चलिए, आप जहाँ से भी देख रहे होंगे आपको भी नमस्कार। उनका सोच यही था जी सर कि मतलब सब लोग बाहर ही कमाते हैं, कुछ घर पे भी करना ज़रूरी है, बाहर कितना दिन आदमी कोई कमाएगा। इसके लिए अच्छा कुछ पैसा लगा करके यहाँ पे ये बिजनेस खोला गया। अच्छा जी तो ये जो सेटअप बनाया आपने, जी इसमें कितने ज़मीन का इस्तेमाल किया? इसमें हमने 42 डिसमिल का इस्तेमाल किया है। 42 डिसमिल, जैसे कि कुछ लोग डिसमिल नहीं समझ रहे होंगे, तो स्क्वायर फीट या कुछ ऐसे उसको समझाएं। ये सर हमारा 14 कट्ठा है। 14 कट्ठा, जी तो देख लीजिए 14 कट्ठे का ये जो फेंसिंग किया है आपने, इस तरह का 14 कट्ठे चौदह में कट्ठे में किया है? 14 कट्ठे में फार्मिंग है, और हाँ 14 कट्ठे में चारा लगा रहे हैं। अच्छा, चारा भी लगा दिए हैं। हाँ पूरा 1 एकड़ का ज़मीन है जिसमें इसका चारा इसमें डालना है। इसके अच्छा, लिए जितना में फार्म बना उतना ही में। तो टोटल 28 कट्ठे का आप यूज़ कर रहे हैं इस जी चीज़ सर के लिए, और 28 कट्ठे में ये तालाब जो आपने बनाया है, ये कितने कट्ठे में है? ये सर हमारा है 2400 स्क्वायर फीट का एक तालाब है, और 3500 स्क्वायर फीट का दूसरा तालाब है दूसरा तालाब है, जिसमें और अभी जो पानी इसके नहीं है। पीछे है जी इसके पीछे है सर। जी, ये सामने आप शेड दिखाएं, ये शेड के पीछे एक और तालाब है जिसमें अभी पानी नहीं है। जी नहीं पानी नहीं होने के कारण शायद बरसात नहीं हुई इस बार, बरसात भी इसलिए नहीं हो सर, थोड़ा पानी का साधन सही नहीं पानी का यहाँ था, पे साधन, मतलब बिजली नहीं बिजली है, वगैरह का बिजली कनेक्शन नहीं वगैरह। कर पाए। जी अच्छा, तो ये हो सकता है, यानी कि दो तालाब आपने कर दिया, और यहाँ मुर्गियों का शेड डाला है, और उधर भी एक शेड बनाया है जो पीछे, वो कितने बाई कितने का है? ओ सर हमारा है 45x20 का, अच्छा, उसमें भी मुर्गियाँ रखते हैं, उसमें सर हम ब्रूडिंग करते हैं। 2 रूम ब्रूडिंग करते हमारा हैं। है आइए जरा जिसमें मैं दो। से दिखा जाए। जी जी, सर तो बहुत ही बढ़िया, और इतना अच्छा लोकेशन, और इतना बीच खेत में खूबसूरत इनका ये IFS मॉडल वाला फार्म है। हाँ बटेर असील सभी लाने वाले हैं। अच्छा, बटेर जी असील, सर अरे वाह क्या बात है। और ये जनपद तो हो गया गोरखपुर, जी लेकिन सर गांव कौन सा है, पंचायत कौन सा है? ये सर गोरखपुर जिला से 7 किलोमीटर, गोरखपुर सिटी से 7 किलोमीटर है। जी लालपुर टिकर ये डांगी पर चौराहे से 2 किलोमीटर पे है, जी, डांगी पर के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी डांगी पर, हमारा गांव है खंता पर, अच्छा। ग्राम इसका लालपुर टिकर है। तो चंद्रेश जी शुरू करते हैं मुर्गियों से। जी सर मुर्गी में अभी कौन कौन सी मुर्गी है आपके पास? हमारे पास इस समय सर WFG है जो अंडा दे रही है, और सोनाली भी है जो लेयर पे है, कड़कनाथ भी है उसका भी अंडा रेडी है, और करीब थोड़ा और सोनाली मुर्गी है जिसको हमारा 2 महीना 10 दिन हो गया। मतलब टोटल संख्या की बात की जाए तो तो कितने अभी मुर्गी होंगे फार्म पे? टोटल संख्या हमारी सर फार्मिंग में 800 प्लस हैं। 800+ है। जी सर अच्छा, सबसे पहले क्या लाया था? सबसे पहले हम लोग 100 मुर्गे से सौ शुरू किए मुर्गी से थे। शुरुआत किए जी सर थे, WFG लाए थे। WFG लाए थे, जी फिर कैसे उसके कैसे बाद कहानी फिर बढ़ी? उसके बाद फिर सर 200 लाए, उसके बाद फिर 500 लाए,
अच्छा जी, ऐसे ही हमारी कहानी आगे बढ़ी है। वाह क्या बात है। और ये जो बड़े बड़े जो मुर्गियां दिख रही हैं जो सोनाली के हैं, वो अंडे पे आ गई हैं? जी सर, अंडे पे आ गई जी। उनके कितने दिन हो गए? ओ सर, हमारे सभी अगस्त के बच्चे हैं। अच्छा, जो अंडे दे रहे हैं वो करीब जनवरी से अंडे दे रहे हैं। अच्छा जी सर, जनवरी से आज तक अभी अंडे देते ही जा रहे हैं। तो कितने अंडे पे हैं अभी? ओ, उसमें सर सोनाली में हमारा 35 मुर्गी है, जिसमें हमारा 32-33 हमेशा अंडा निकलता है। अच्छा जी सर, तो यानी कि सब मिली जुली है। FFG के भी अंडे निकलते हैं? हाँ, WFG के भी अंडे निकलते हैं, कड़कनाथ के भी अंडे तैयार। अच्छा, हैं, और सोनाली के भी अंडे सब में है। ये लेयर फार्मिंग पे आप लेके आए हैं? जी सर। और कारण ये शायद कि आपने अपनी सुना है, अभी बातचीत हो रही थी कि हैचरी भी लिया है आपने? जी सर, इसका सर मेन चीज था सर अंडा सेलिंग का जी। इसमें अंडा सेलिंग में थोड़ा दिक्कत था, इसके लिए हैचरी भी बैठा लिए, ताकि और भी किसान भाइयों को जो भी मतलब जरूरत रहे उनको बच्चे भी दे सके, और हमारे लिए भी मतलब घर का अंडा और घर का बच्चा भी रहेगा, जिससे हमें बच्चे का पैसा नहीं देना पड़ेगा, खुद से बच्चा भी निकाल लेते हैं जी। तो जी। अभी प्रतिदिन कितना अंडा निकल रहा है? प्रतिदिन सर इस समय हमारा 100+ है। 100+ अंडा निकल जी रहा है। और हैचरी की कैपेसिटी क्या डाली है? हैचरी की सर कैपेसिटी 1000 अंडा है। 1000 है जी। हैचरी कब बनवाया? हैचरी हम लोग बनवाए थे 28 जून को। 28 जून को जी। यानी कि अंडों की प्रॉब्लम हो रही थी सेलिंग की, इसलिए आपने सोचा कि चलो भाई इससे अच्छा है कि चूजा भी तैयार हो। जी सर, गर्मी में थोड़ी समस्या होती है। गर्मी में बहुत समस्या थी सर, ये चीज आपने झेला? जी सर, इसके लिए हम लोग हैचरी बनवाए। और सही बात है कि मुर्गी पालन में जो भाई हमारे उतर रहे हैं और थोड़ा सा बड़े स्केल पे कर रहे हैं, तो शायद उन्हें गर्मियों में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें आप हैचरी में डाल के मदद लेके करें, या फिर खुद की अपनी एक छोटी हैचरी अगर बैठा लेते हैं तो उस अंडों का सदुपयोग हो जाएगा। एकदम सर, अगर आपके पास देसी मुर्गी अंडे दे रहे हैं तो 200 अंडे का या 500 अंडे का हैचरी मशीन बैठा करके उससे आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। लाभ ले सकते हैं, और चूजे भी अपना आराम से बिक जाएंगे, सेल कर सकते हैं, चूजे बेचने में कोई दिक्कत नहीं है जी। और ऐसे अंडा खाने के लिए यहाँ क्या रेट चल रहा होगा सर, क्या ले जाते हैं? हाँ सर, इस समय जो अदर अंडे हैं सोनाली के WFG के 10 रुपये हैं, और कड़कनाथ का अंडा इस समय सर हमारे यहाँ 15 रुपये अवेलेबल है। कड़कनाथ का 15 रुपये? जी सर। अच्छा, और जैसे ठंडी आएगा वैसे रेट थोड़ा और बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आइए सर इधर आइए। और ये देख रहा था अभी कि यहाँ पे आप हरा चारा दे रहे थे मुर्गियों को। जी सर, हरा चारा दे रहे थे, तो ये जो अभी हरा चारा आप काट रहे थे यहाँ पे, ये क्या है? ये सर एक घास है जो हम लोग साग में भी यूज करते हैं, इसका नाम है करमुआ, और थोड़ा नेपियर भी था। हरा चारा इसके लिए देते सर, ताकि दाना का करमुआ का घास होता है। खाती है मुर्गी चाव से? बहुत अच्छे से खाते हैं, और रसदार भी है, उसमें ताकत भी है। अच्छा, सही घास है, हरा भरा घास है, और बरसात में भी बहुत अच्छा घास है, कितना भी पानी भर जाए कभी खराब नहीं होता। और ये घास मैं देख रहा था कि सबको खिला रहा था, आपके पास थोड़ी बकरियां भी हैं, थोड़ी मछली भी है, सब अभी मछली वाली तालाब में भी देखा कि यही घास ले जाकर पटक दिया। ये घास में ज्यादा फायदा भी है और मतलब बहुत उपजाऊ भी है। अच्छा, बहुत पसंद से सब खाती भी है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि भाई बरसीम है, मलाई घास है, बहुत तरह की घास होती है, तो एक ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई खाती तो ग्रोथ वगैरह? ग्रोथ सर बहुत अच्छा है, घास खिलाने में मीट का स्वाद बहुत गजब है। हाँ जी सर, दाने में और घास में भी यही अंतर है कि घास खिला रहे हैं तो उसका मीट का स्वाद बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो अभी दाना कौन सा खिलाते हैं अपनी मुर्गियों को, सारी जो जितनी 800 लगभग मुर्गी हैं? इनको सर हम एक टाइम अलग अलग दाना खिलाते हैं, लेयर आलू को लेयर वाला खिलाते हैं। अच्छा, बाकी को लेयर के लिए कौन सा दाना इस्तेमाल करते हैं? एक है फिनिश करके, है फिनिश करके, मतलब यहाँ लोकल कंपनी है। हाँ जी। अच्छा, क्या पड़ जाता है खर्चा उसका? ओ सर इस समय आता है 1300 रुपये बोरी। 1300 रुपये बोरी, 50 किलो का? जी सर। फिर भी बहुत सस्ता है सर। हाँ, वो गोदरेज वाला 2600 रुपया, 2200-2500 रुपया शायद बहुत महंगा आता है, लेकिन उससे तो ये बहुत। और जो सोनाली लाए हैं अभी 2 महीने का हुआ, उसको क्रायलर खिला रहे हैं, वो करीब 1600+ पड़ जाता है बोरी पीछे। अच्छा अच्छा, एक टाइम दाना और घास देते हैं बराबर। घास देते हैं जी। अच्छा, ब्रूडिंग के लिए क्या करते हैं? ब्रूडिंग आपकी कहाँ होती है? ब्रूडिंग के लिए सर हमारा एक रूम है। अच्छा, ये वाला क्या? दो रूम है हमारे पास, ये थोड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन फर्स्ट रूम है, एक छोटा रूम है, अगर ज्यादा बच्चे हैं। हाँ, ज्यादा बच्चे हैं तो इसमें डाल देते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों को लाके इसी में आप डाल देते हैं? डालते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 दिन तक ब्रूडिंग होता है। अच्छा, अभी फिलहाल इसमें कड़कनाथ का चल रहा है ना? इसमें कड़कनाथ का भी बच्चा डाले हुए हैं। अच्छा, और उधर वाली रूम में आपकी बड़ी बड़ी मुझे थोड़ी सी दिख रही है, ये सोनाली ही है ना? जैसे क्या रखे हुए हैं इसमें भी सर? सोनाली है और कड़कनाथ है। अच्छा, कड़कनाथ है बच्चे हैं। जैसे सर उसमें फिर दोबारा अगर बच्चा डालना होता है तो वही बच्चा निकाल करके इसमें डाल देते हैं। कितने दिन हो गए इन लोगों को? ये बच्चा हो गया हमारा सर 42 दिन का। 42 दिन अब देख सकते हैं, मतलब काफी ग्रोथ है। दिखाई भाई अंदर, 42 दिन के ये बच्चे हैं।
तो बच्चों को आपने ठीक है एक जगह रखा हुआ है, क्योंकि अभी तो इनब्रीडिंग की समस्या है नहीं, छोटे हैं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं अभी। लेकिन बाकी जो बड़े वहाँ पे मुर्गे हैं, मुर्गियाँ हैं, सबको आपने अलग अलग बाड़े में रखा हुआ है जी। उसको सर बाड़े में अलग अलग रखने का मेन जरिया सर यही है ताकि इन ब्रीडिंग का मतलब परेशानी ना हो, क्योंकि अंडे पे आ गई हैं। और जो लोग भी लेयर फार्मिंग पे रख रहे हैं वो भूल करके भी मिक्सअप ना करें, क्योंकि फिर ओरिजिनल ब्रीड खत्म हो जाएगी, आपके अंडों की वैल्यू खत्म है, चूजे ही पता नहीं चलेगा कि कौन सा है। वाले बच्चे नहीं जाते हैं उनको भी मतलब अच्छा रहेगा कि मतलब अलग अलग बच्चे रहेंगे अलग क्वालिटी के, तो अच्छे जी को इन्होंने अलग रखा है, कड़कनाथ को अलग रखा है, सोनाली का अलग। एक बार निकालते होंगे तो दूसरे को बंद रखते होंगे जी, अलग अलग निकालते हैं अलग अलग होता है, तो फ्री रेंज में भी छोड़ते हैं यहाँ पे। हाँ सर पूरे देख लीजिए, अभी भी घूम रहे हैं फ्री रेंज जी जी जी, फ्री रेंज में निकलते हैं, अभी धूप है इसके लिए सब अंदर है, सुबह शाम निकलते हैं अच्छे से। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं ये शेड जो है, आप देख रहे होंगे कि ये जो शेड आपने लंबाई कितना बताई थी सर? ये सर हमारा है 21x100 का, 21x100 का, यानी कि 100 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा, स्क्वायर फीट का है पूरा सर जी जी। हाँ, परफेक्ट है। और ये बाहर से आपने पूरा प्लास्टिक से कवर कर लिया है जी सर, बारिश से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, और आगे चल के ठंड से भी बचाएगा ये, दोनों बचाएगा। और ऊपर में आपने सीमेंट वाली करकट है ना, शेड डाले हुए हैं, शेड में तो बहुत खर्चा हो गया होगा। हाँ सर, कितना लगभग सब हो गया शेड में सर? हमारा पूरा टोटल पूरा नीचे का जो काम था इसको छोड़ करके शेड और लोहे में करीबन 3.5 लाख रुपए तक लगा हुआ, अमूमन एक एवरेज एवरेज इसमें। ऐसे तो लगता है कि पूरे अगर भोल की बात की जाए, पूरे फार्म में बात किया जाए तो सर 9 लाख प्लस हो गया। 9 लाख प्लस जी सर, मतलब पूरा 10 लाख मान ही लीजिए। हाँ टोटल पूरा मतलब खनाई खुदाई लेकर के, और पूरा जो एक एकड़ का खेत है इसका घेरवाया हुआ, इसका जाली है इसके, और इसमें जो 45x20 का शेड है, और बच्चे लाने में सब लाने मतलब में उसमें माल वाल सब ले सब कुछ लेकर के चालू करने में हालत में और यहाँ पे। और लेकिन एक प्रॉब्लम जो दिख रही है सर कि अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई, तो ये तो बहुत परेशानी होगी आपको, कैसे इसे फिर निपटेंगे? बिजली की परेशानी सर ऐसा है कि यहाँ से बिजली का खंभा बहुत दूर है जी। और हम लोग गांव से बहुत दूर आकर के बना लिए शेड, इसके लिए मतलब यहाँ पे पहले से बिजली नहीं था, और हमारा फार्म अभी करीब 2-3 महीना हुआ, 14-15 महीना, इसके लिए सर अभी बिजली का कोई साधन नहीं हुआ, लेकिन प्रयास चल रहा है जी। बिजली का अल्टरनेट में कुछ सोलर वगैरह का सोचा है? हाँ सर, बिजली के लिए अपना लाइट के लिए सर लगाए हैं, हमारा छत पे देख सकते हैं थोड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है, पैनल लगाया है, इन्वर्टर लगाए हुए हैं। अच्छा जी सर, ओके ओके, उससे हम अपना लाइट का काम चला लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और ठंडी में अगर ब्रूडिंग का दिक्कत हुआ तो उधर बुखारी रखे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ करके जी जी जी, आइए। और चंद्रेश जी जी, यहाँ पे आप ही केवल देखते हैं कि और साथ में कुछ लोग हैं? हैं सर। अच्छा देखिए, इधर हमारा बुखारी लगा हुआ है, अगर ज़्यादा दिक्कत आए ठंडी में इसको हम इसमें वो लकड़ी का कन्ना भर करके और आग लगा लेते हैं, धुआं इसका बाहर। क्या बोलते हैं? बुखारी। बुखारी बुखारी। हाँ अच्छा। टीन का बना हुआ है, पे 1400 में आ जाएगा। 1400 में? अरे वाह, क्या क्या करते हैं इसमें? इसमें सर कुछ नहीं करना है, इसको हम दिखा रहे हैं आपको, तो बड़ा बढ़िया है भाई। अच्छा है, इसको आप इससे निकालना है और देख सकते हैं आप, इसमें हमको भूसी भरना है। अच्छा। और इसमें भूसी भर के नीचे आग लगा देनी है, और इसका जो धुआं रहेगा ढक्कन बंद करने के बाद बाहर निकल जाएगा, और इस इतना गर्म हो जाएगा कि इसमें करीब 400 से 500 बच्चे 10x10 के रूम में आराम से रह सकते हैं, उनको टेम्परेचर मेंटेन कर देगा। जहाँ बिजली नहीं है तो देखिए वो कैसे एक आइडिया जो है ये मिला, मतलब ब्रूडिंग की जाड़े में भी समस्या खत्म हो गई कि बिजली ना भी रहे तो ये भुखारी से आप काम चला, काम चला सकते हैं। अगर इसे छोटा भी बुखारी ले सकते हैं जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हर शेप में बन जाती है। हाँ। और देखिए ये बहुत सिंपल ड्रम है, और तो कुछ है नहीं, यहाँ से बस एक नीचे में कनेक्शन है और एक यहाँ पे धुआं निकालने के लिए, और ये वाला, ये चाहे तो आप इसमें पाइप जोड़ के और भी लंबा कर दें, जहाँ भी ले जाना, जहाँ पे धुआं आपको छोड़ना है छोड़वा दीजिए, और जो हीट है वो आसपास के 10 फीट के सराउंड में ना, 10x10 में, 10x10 में एकदम गर्म रहेंगे, तो ब्रूडिंग के लिए तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। चंद्रेश जी, आपकी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है काफी बड़ी है, 10 लाख कोई मोटा मोटी मतलब कोई आम आदमी नहीं खर्च कर सकता है, लेकिन इस जनपद में आपकी ये जो प्रोजेक्ट है एक मायने रखेगी आने वाले दिनों में जी सर। और लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, लागत आनी भी चाहिए वापस जी जी, इससे ज़्यादा आनी चाहिए, प्रॉफिट में भी आनी चाहिए, तो इस प्रॉफिट में आने के लिए आपको बहुत सारे किसानों को और भी नए नए लोगों को आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा जी सर। हमको तो आपने जुड़ने के लिए क्या सोचा है? किसानों को जुड़ने के लिए सर सोचे ऐसे, मतलब जहाँ भी फार्म है वहाँ उनसे भी मिलते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, और जो भी आते हैं
उनको हम बच्चे भी देते हैं हमारे, क्योंकि हमारे पास खुद का हैचरी मशीन है और खुद के मुर्गे भी हैं अंडा निकाल के, और बहुत कम दामों में बहुत अच्छे से और बहुत सेफ्टी से उनको बच्चे पहुंचा देते हैं और पूरी जानकारी भी देते हैं। और हमारे पास बच्चे के साथ साथ खुला दाना भी उपयोग है, उनको हम दाना भी देना चाहते हैं कि दाना भी ले जाएं हमारे यहाँ से और बच्चे भी ले जाएं। इससे मतलब हमारे आगे आने वाले किसानों को मतलब यहाँ पे ज़्यादा सुविधा मिल जाता है। जो बिल्कुल सही बताया कि देखिए दोस्तों, यही होता है कि आज भी कोई नया काम अगर शुरू करने जा रहे हैं और पता चला कि हमें 500 चूजे की जरूरत है तो कहीं अन्य राज्यों से आप बाहर से मंगाते हैं जी सर, लेकिन अब किसी जिले में ही आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाती हैं तो काफी कॉस्ट कटिंग होगा, क्योंकि बाहर से लाने में कीमत भी आपको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे अगर प्रोजेक्ट और फार्म खुल रहे हैं तो मकसद यही है कि छोटे छोटे किसान उनसे जुड़ करके आप भी काम को चालू कर सकते हैं। जी सर, जुड़ सकते हैं, ले सकते हैं, पूरी जानकारी भी दी जाती है जी, जितना भी चाहिए उनको जानकारी दी जाएगी, उनको सपोर्ट भी किया जाएगा। और कोई भी दिक्कत हुआ, कोई भी प्रश्न हुआ तो आइए यहाँ पे बैठ के इनसे बात भी कर लीजिए, समझ भी लीजिए, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चारा के बारे में, दाना के बारे में, बीमारियों के बारे में जी। और हमारे पास बच्चे भी WFG के, सोनाली के, कड़कनाथ के, और सारे मिल जाएंगे ना, सारे मिल चुकी है अब सब। और आने वाले समय में कुछ दिन में जल्दी जल्दी बटेर का और असील का भी हो जाएगा उपयोग, उसका भी लाने वाले, कुछ बत्तख भी लाने वाले हैं जो अभी मतलब व्यवस्था नहीं किए हैं, एक आध महीने में आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो आने वाले टाइम में मतलब वो भी हम अंडा बच्चा दोनों दे सकेंगे। चलिए तो चलिए दोस्तों, ये अपडेट आप देख रहे थे, थोड़ी सी मछली पालन पे भी बात करेंगे चंद्रेश जी से। आइए जी, और जो भी हमारे नए दोस्त मित्र हैं अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जी सर, ताकि ऐसी ऐसी जो इंटरव्यूज़ है, जो ऐसी जानकारियाँ हैं आपको हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।